ये तो अच्छा रहेगा सर, क्योंकि अधिकांश लोग हिंदी समझ में आ जाए। नमस्कार, ठीक रहेगा? नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह राणा है। मैं सर्विस हेड हूँ सी एंड एस इलेक्ट्रिक कंपनी में, बेस्ड एट न्यू दिल्ली। थैंक्स टू मित्तल साहब की, उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप सब लोगों से एक प्लेटफॉर्म पे सब लोगों से मिलने का मौका मिला। एज ए सी एंड एस, हम लोगों की विश ये है कि जो प्रोडक्ट आपने हमारा लगाया है, जो आपके पास में लगा हुआ है, वो अच्छी तरह से चले और आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो प्रोडक्ट लगा है आपको कम से कम जो है परेशान करें और आपका प्लांट बढ़िया चलता रहे। उसके लिए जो बेसिक चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्ट की सही समझ होना। देखिए, आप लोग यहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी एक्सपीरियंस अपने फील्ड में है, लेकिन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक दो चीज़ें हैं हम आपको अपनी तरफ से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम आपको वीडियोस दिखाएंगे या अभी जो भी आपको कंटेंट्स आपसे शेयर करेंगे, इसमें हम फोकस करेंगे जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपके पास हमारा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है एयर सर्किट ब्रेकर, ACB। आप में से कितने लोग जो है ACB को ऑपरेट करते हैं? जरा हाथ अपना खड़ा करेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं उस हजार रुपये पर बात करूँ। बहुत गिनती के कम लोग हैं। बाकी कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? चलिए, लेकिन आज एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी और ये इतनी हमको वीडियोस मिलेगी तो आप आराम से समझ जाएंगे। कोई इसमें फॉर्मूलाज, कोई इंग्लिश, कोई थ्योरी कुछ नहीं है, सिंपल वीडियोस मिल गई। सबसे पहले ACB का काम क्या है, ये सिर्फ मैं मैकेनिकल टीम मेंबर्स को बता रहा हूँ। ACB का काम है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट को मेक करना, यानी कि आपके सर्किट को बनाना और उसको ब्रेक करना, जिसको हम शुद्ध हिंदी भाषा में बोल सकते हैं स्विच ऑन करना और स्विच ऑफ करना। ठीक है, ACB आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, एयर सर्किट ब्रेकर। ACB जो आपकी मास्क लगा हुआ है वो लगा हुआ है CNS में, जिसको हम पहले कंट्रोल एंड स्विचगियर्स कंपनी ही बोलते थे, जिसका भी शॉर्ट फॉर्म हो गया CNS इलेक्ट्रिक लिमिटेड। एयर सर्किट ब्रेकर आपके पास है, एयर सर्किट ब्रेकर की अपनी करंट रेटिंग्स होती है। मैं ये मैकेनिकल टीम को ध्यान में रख के कुछ चीजें बोल रहा हूँ, हालांकि आप लोगों के लिए वो इरेलेवेंट होगी। जैसे आपकी MCB होती है 6 एम्पियर, 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर, ऐसे ही ब्रेकर्स होते हैं 400 एम्पियर से लेके 6300 एम्पियर तक। ये 2-4 में भी आते हैं, 3-4 में भी आते हैं, 4-4 में भी आते हैं, और फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड फ्रेम 4, 4 फ्रेम में आते हैं। आपके पास में जो ब्रेकर्स लगे हैं CNS कंपनी के, अप टू 4000 एम्पियर तक लगे हैं। ACB का सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, कहाँ से ऑन किया जाता है, कहाँ से ऑफ किया जाता है। अगर ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन कहाँ पे पता चलता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने कभी ACB और आपको चलाना पड़ जाए तो आपको ये पता हो कि ACB के किस पार्ट को आपने कहाँ पे ऑपरेट करना है ताकि ब्रेकर ऑन हो पाए, ऑफ हो पाए। इसका वीडियो ऑफ कर दीजिए, ऑडियो ऑफ कर दीजिए। ये पीछे गिरे, पीछे अंदर में ये जो बटन है, मैं इनका आपको मतलब समझाता हूं। ये जो ग्रीन वाला बटन है, इस बटन का काम है ब्रेकर को ऑन करना, यानी कि स्विच को ऑन करना। रेड जो पुश बटन दिया हुआ, रेड पुश बटन का काम है ब्रेकर को ऑफ करना। ये जो इंडिकेशन दिया हुआ है, इस इंडिकेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर में एक स्प्रिंग होता है, बहुत बड़े 2 स्प्रिंग्स होते हैं, उन स्प्रिंग्स की पावर या उनके फोर्स को ही इस्तेमाल करते हैं ब्रेकर को ऑन या ऑफ करने के लिए। वो स्प्रिंग चार्ज है या अनचार्ज है वो आपको इस इंडिकेशन से समझ आ जाएगा। यहाँ पे अनचार्ज या चार्ज लिख के आएगा। ब्रेकर आपका ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में है वो आपको इस जगह पे, इस पोर्ट पे आपको जो है देखने से पता चल जाएगा। यहाँ पे ऑन या ऑफ लिखा होगा।
इसके अलावा ये जो आप बड़ा सा टी टाइप देख रहे हो, ये स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए हैंडल है, इसको स्प्रिंग चार्जिंग हैंडल बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है इसके अंदर में ब्रेकर कौन सी पोजीशन में है, जो इलेक्ट्रिकल की टीम है, जो इलेक्ट्रिकल ब्रेकर ऑपरेट करते हैं उनको तो मालूम है कि ब्रेकर की तीन पोजीशन होती है। तो सबसे पहले ये सर्किट के अंदर में रहता है जिसको करेक्ट पोजीशन बोलते हैं। एक टेस्ट पोजीशन में होता है जहां पे सिर्फ कंट्रोल सर्किट आपका पिक्चर सर्किट में रहता है, पावर आपका आइसोलेट होता है, और एक आपका कंप्लीटली आइसोलेट। सो तीनों पोजीशन में ये कौन सी पोजीशन में ब्रेकर रखा हुआ है आप इस इंडिकेशन इस एरिया से देख के आप पता कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है इस एरिया के अंदर में आपको हैंडल इंसर्ट करना होता है ब्रेकर को रैक इन या रैक आउट करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला, इसको की लॉक बोलते हैं। अगर आपको जैसे ब्रेकर को ऑफ करके मतलब ऑफ करके इसकी चाबी आप निकाल के अपने जेब में रख लेंगे तो इस ब्रेकर को कोई भी आके ऑन नहीं कर सकता है, तो ये सेफ्टी पॉइंट से की लॉक किया होता है। तो ये सब चीजें जो बेसिक मैंने आपको बताई, अब इसका फंक्शन आगे आप वीडियो में देखेंगे। सुधीर प्ले कर दीजिए। सबसे पहले ये फ्लैप उठाइए, ये फ्लैप दिए हुए, अगर इसमें ताला आपको लगा रहा हो कि कोई भी बटन से जो है ब्रेकर को ऑन ऑफ ना कर सके, ये ग्लास के फ्लैप होते हैं। अभी देखिए आप, सबसे पहले ब्रेकर आपका डिस्चार्ज हो रखा है, अनचार्ज्ड। इसको सबसे पहले आपको हैंडल से 6 to 8 टाइम्स पंप करना है, यानी कि 6 to 8 टाइम्स इसको मूव करना है। तो ये देखिए आपका ये स्प्रिंग चार्ज हो गया। एंड देन ऑन वाले बटन से आप देखिए ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन हो गए, और इसके बाद ऑफ वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ब्रेकर आप देखिएगा यहाँ पे ऑफ। सो दीज आर बेसिक ऑपरेशन। मैकेनिकल टीम कुछ कुछ समझ आया, ऑन ऑफ करना समझ आया, इजी है ना? सो देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल टीम के लिए ये वीडियो है, मैकेनिकल टीम भी समझ सकती है इसको। ब्रेकर को जब भी कभी भी आपको बाहर निकालना है, निकाल के टेबल पे रख के मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए वीडियो है। नए ब्रेकर्स में हम साइड में यहाँ पे आप देखेंगे दो बोल्ट्स ये देते हैं, और राइट लेफ्ट साइड में भी दो बोल्ट देते हैं। इन बोल्ट्स का काम सिर्फ तब होता है जब हम इन ब्रेकर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक में रख के या रेलवे में रख के भेजते हैं, तो ये हम बोल्ट साइड में लगा के भेजते हैं ताकि ब्रेकर क्रैडल के साथ में एकदम बिल्कुल मजबूत रहे, हिले डुले ना, हिलेगा डुलेगा तो जो ये साइड की प्लेट्स हैं ये सब बैंड हो जाती है। तो ये आपको बार ये आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आपके पास तो पैनल फिट हो गया है। आपके केस में एप्लीकेबल है ये नीचे वाला बोल्ट और ये ऊपर में ये वाला। कुछ ब्रेकर में यहां पे और दूसरी साइड पे यहां पे होगा, सामने आमने सामने होगा बड़ी रेटिंग्स में, और छोटे ब्रेकर्स में जो है ये एक साइड में ऊपर और दूसरे साइड में नीचे की तरफ होगा। ब्रेकर को रैक आउट करने के लिए पहले ऑफ बटन दबाइए, ये फ्लैप खुलेगा, इसके अंदर में आपको रैक इन रैक आउट हैंडल इंसर्ट करना है, और उसके बाद एंटी क्लॉक वाइज जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको जो है हैंडल घुमाना है, और ब्रेकर जो है आपका रैक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ब्रेकर आपका जो है रैक आउट होना स्टार्ट हो गया है। इस पोजिशन पे आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल टीम इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझे कि अगर किसी वजह से ये इंडिकेशन खराब हो गया, जो यहाँ पे इंडिकेशन था टेस्ट कनेक्ट आइसोलेट का, तो ये जो गैप है ये क्रैडल की प्लेट है और ये ब्रेकर की प्लेट है। इन दोनों प्लेट के गैप को देख के आप समझ सकते हैं कि ब्रेकर प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दिस इज वेरी सिंपल और लेमन मेथड कि आप अपने डाउन द लाइन ऑपरेटर्स को समझा सकते हैं कि भैया इस गैप का आपको खास ध्यान रखना है, और अगर आप ब्रेकर रैकिंग कर रहे हैं अंदर डाल रहे हैं तो उस टाइम ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टच होनी चाहिए। अगर ये टच हो गई है तो उसके बाद बार बार हैंडल घुमाना आपको रोक देना है। अभी जैसे रैक आउट किया, नाउ यू विल रैक इन दिस ब्रेकर, ये पोजीशन लॉक्स है ब्रेकर को बाहर निकालने के लिए, ये लॉक्स काम में आते हैं, ये लॉक। इस पोजीशन तक मैक्सिमम आप ब्रेकर को लेके आ सकते हैं बाहर, उसके बाद वापिस इसको आप रैकिंग कीजिए, वापिस रैकिंग हैंडल इंसर्ट कीजिए ऑफ बटन दबा के। ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, अगर यहाँ पे ये ऑफ बटन दबा हुआ है तो आपका ब्रेकर किसी भी हालत में ऑन नहीं होगा रैकिंग करते वक्त, ये सबसे बड़ा सेफ्टी इंटरलॉक है। और ये देखिए ये गैप जो है,
ठीक मिले धंधे पर। इसमें ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ब्रेकर आपका जो है अगर बीच पोजीशन में कोई भी छोड़ दे, मतलब टेस्ट कनेक्ट आइसोलेट इनके बीचों बीच कोई भी छोड़ दे तो ब्रेकर आपका ऑन नहीं होगा। ये देखिए ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और ये फ्लैप खुला हुआ है और ऑफ बटन अंदर की तरफ है। जब तक आप ब्रेकर को सही डायरेक्शन में सही पोजिशन में नहीं रखेंगे तब तक आपका ब्रेकर जो है ऑन ऑफ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी सेफ्टी दी हुई है इस ब्रेकर के अंदर में। ब्रेकर को सही डायरेक्शन में डाला है, सही जगह पे रखा है तो ही ब्रेकर ऑन ऑफ हो रहा है। सुदीप नेक्स्ट। ब्रेकर के अंदर में ये सावधानी के पॉइंटों के से मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रेकर के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रेकर में नीचे की तरफ में दो स्प्रिंग दिए हुए, बड़े स्प्रिंग्स दिए हुए हैं। कितने लोगों ने देखे? दो, तीन, चार, पांच, सारे लोग धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं। भाई मैकेनिकल के भी खड़ा कर रहे हैं क्या? वेरी गुड। देखिए ये दो कोएक्सियल स्प्रिंग्स नीचे की तरफ में होते हैं, ये आपको बताना इसलिए जरूरी है जो हम बात करते हैं ना सेफ्टी सावधानी, इसमें आपको सावधानी बहुत ज्यादा रखनी है। ये दोनों स्प्रिंग्स जो आप नीचे देखेंगे, ये जब ब्रेकर को आपको ऑन करना होता है तो उससे पहले स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। चार्ज करते वक्त आप क्या कर रहे हो? स्प्रिंग को एक्सपेंड कर रहे हो। स्प्रिंग जब एक्सपेंड हो जाता है और उस टाइम गलती से अगर कोई भी आदमी उसके अंदर में मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ डालता है और गलती से इस एरिया में जहां पे स्प्रिंग है उसका हाथ आ जाए तो उंगली या हाथ को बहुत सीवियर डैमेज हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए कंपनी ने इसके अंदर में एक डिजाइन रखा है। उस डिजाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनी गेस? कोई एक्सपीरियंस आदमी? स्लो क्लोज। स्लो क्लोज बोलते हैं। स्लो क्लोज का दो काम दिया हुआ है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैकेनिज्म को वो जैम कर देता है। जब भी आप ब्रेकर को स्लो क्लोज में डालेंगे, आपको कोई भी ब्रेकर को चेक करना है, मेंटेनेंस करनी है, कुछ भी चीज करनी है, स्लो क्लोज में आप ब्रेकर को डाल दीजिए, पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपका जैम हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, जो तीनों पोल्स होते हैं ब्रेकर के, तीनों पोल्स के बीच में जो कॉन्टेक्ट का गैप है वो स्लो क्लोज में डाल के आप चेक कर सकते हैं। सुधीर जी जनरल वीडियो प्ले कीजिएगा। ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम सबसे पहले इसके लिए फ्रंट कवर खोल देते हैं। हालांकि फ्रंट कवर खोलने की आवश्यकता नहीं है, ये मेटल का फ्रंट कवर खोल रहे हैं और ये फ्रंट फेशिया जो प्लास्टिक का है इसको खोल रहे हैं ताकि आप सही से देख पाएंगे किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको ये खोलने की जरूरत नहीं है। फ्रंट फेशिया खोल लिया। ये देखने के लिए जो कॉन्टेक्स्ट का अगर हमें गैप चेक करना है तो उस टाइम हमारे आर्क ट्यूब फटे हुए होने चाहिए। और जब भी ये सारा काम आप कर रहे हो, ये ब्रेकर आपका किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हो, यानी कि किसी टेबल पे, कहीं पे फर्श पे, जमीन पे, कहीं ना कहीं होना चाहिए। इस पैनल में रखकर ये एक्टिविटी मत कीजिएगा। ये जैसे आप कॉन्टेक्स्ट आपके तीनों पोल के ओपन है। सबसे पहले हम स्प्रिंग चार्ज करेंगे। स्प्रिंग चार्ज किया, स्प्रिंग चार्ज हो गया। उसके बाद ये देखिए कॉन्टेक्ट आपके अभी भी ओपन कंडीशन में है। स्लो क्लोज में डालने के लिए इस लीवर को, ये जो लीवर है, इस लीवर को उंगली से उठा लीजिए और ये वाला जो ऑन बटन है इसको प्रेस कर दीजिए। ब्रेकर आपका स्लो क्लोज मोड में चला गया है। स्लो क्लोज मोड में जाने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप स्प्रिंग चार्ज का हैंडल, ये वाला हैंडल देखिए, ये हैंडल जैसे जैसे आप आगे की तरफ पुश करोगे ये कॉन्टेक्ट आगे की तरफ में बढ़ते जाएंगे। देखिए आप लास्ट पोजीशन पे ले जाके छोड़ सकते हैं और तीनों पोल का गैप चेक कर सकते हैं कि तीनों पोल में गैप बराबर है या किसी में कमी ज्यादा है। अगर किसी में कमी ज्यादा है, ये तीनों पोल में चेक नट्स दिए हुए, देखिए एक, दो और ये तीन, इन तीनों चेक नट्स को विद द हेल्प ऑफ स्पैनर, चाबी पाना, उसकी मदद से आप गैप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और स्लो क्लोज से बाहर निकालने के लिए ब्रेकर को वापस एक बार स्प्रिंग चार्ज करके ऑन ऑफ कर दीजिए। ब्रेकर आपका जो है स्लो क्लोज से बाहर आ जाएगा, ये लीवर नीचे की तरफ में अपने आप गिर जाएगा। तो ये था स्लो क्लोज। तो फीचर कब से है इसमें? शुरू से ही सीएनएस में? हाँ जी, डे वन से। अच्छा, कितने लोगों को ये समझ आया? हाथ खड़ा कीजिए, सोच समझ के हाथ खड़ा कीजिए, प्रैक्टिकल सेशन है हमारा।
सही अच्छी बात है। देखिए इस फीचर को इसलिए समझ